मैं जाके बैठी थी और देखो गेट बज गया। मैं सोच रही थी साहब कितनी देर में आएंगा, साहब कितनी देर में आएंगा। मज दोपहर में बालक वो मैं बस में आएगा कि लेन जाओगा, कहीं को नहीं तो जाना पड़ेगा। 2 बजे में कितनी देर है, भी तो 1 बजे हो ना। पार्सल भी आया है जी, इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग बाद में। एम के छाए छू ले। तो जी 2 बजे की चिलचिलाती धूप में मैं निकल पड़ी हूँ बच्चों को लेने के लिए, और बच्चों के लिए भी इसी तरीके से कवर करने के लिए दुपट्टा लेकर आई हूँ कॉटन का। स्कूल से आते ही मतलब बच्चों को लेकर आते खाना वाना खाने के बाद में, और शर्मा जी सो गए थे। शर्मा जी ने देखो सारा टीका अपने मुँह पर किस तरीके से लगा लिया है, और मैंने ये क्लिप नहीं बनाई है, नैनी की बनाई हुई है। मैंने तो वीडियो एडिट किया ना उस टाइम, देखी है, मैं भी सोई हुई हूँ। और दोनों बच्चे लगे हैं अपने क्राफ्टिंग करने में दोपहर में, ये दोनों ऐसे ही काम करते हैं जब हम लोग सो जाते हैं। तो जी ये देखो शाम का टाइम है, शाम के बज गए कितने 7:15, और 7:15 बजे हम लोग मिल रहे हैं। और मैंने ये वाला गेटअप लिया है, मैंने एक न्यू कुर्ता मंगवाया और उसका मेरे को वीडियो तैयार करना था, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा ये व्लॉग में भी डाल दूं, तो मैंने थोड़ा शूट कर लिया। और देखो मैं चेंज हो रही हूँ, इतनी बातें सुनी मैंने पिछले 10-15 दिन में कि मैंने पूरा संकल्प कर लिया कि हाँ मुझे बदलना है। बदल मैं भी सकती हूँ, लेकिन बस वही है कि यूँ रहता था कि ठीक है बच्चों में जिम्मेदारियों में उलझे रहते थे। लेकिन अब सोच लिया कि मुझे चेंज होना है। आप दिन में भी देख रहे होंगे मेरी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज रहती है, मैं साड़ी वगैरह पहनती हूँ, अपने आप को अच्छे से ध्यान रखती हूँ। और अब मुझे कसम से अपने आप को एक एज ए यूट्यूबर रिप्रेजेंट करना है। आज तक मैं बस घर में जो भी है, घर की जैसे आम एक ज़िंदगी मेरी चलती थी, वही बात है ना, चल रही है बस। अब मेरे को जैसे यूट्यूब पर रहते हैं लोग वैसे अपने आप को लेकर आना है, और यूट्यूबर के जैसे रहना है, ऐसे नहीं रहना, एक आम गृहिणी के जैसे नहीं रहना, जो मिल गया वो पहन लिया, जैसे रहना था वैसे रह लिया, थोड़ा सा चेंज करना है बाद में। लेकिन आप लोग मत बोलना कि दीदी आप यूट्यूब पर आने के बाद बदल गए, ठीक है, आप लोग मत बोलना। आप लोगों के कहने पर, आप लोगों के वो होते हैं ना टोंट मारने पर, और आप लोगों के बहुत सारी चीज़ें आपने सुनाई उसके कारण मैं चेंज हो रही हूँ। नहीं, मेरे को बदल गए बदलने वाले, मेरे को बदलने वाले बदल गए, लेकिन मैं नहीं बदली, आप लोगों ने मेरे को बदल दिया, अब मैं बदल रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करना मेरा इस चीज़ में, मैं आप मेरा एक चेंज रूप देखेंगे आने वाले वीडियोज में, बहुत कुछ चेंज दिखेगा आपको। और देखो मैंने हेयर कट भी ले लिया, क्योंकि मेरे फेस पे मेरी शादी से पहले यही हेयर कट रहता था और ये सूट भी करता था, तो मैंने ये वाला ही ले लिया। अगर मैं ओपन हेयर करूँ ना तो ये मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा सूट करता है, कभी करूँगी फिर दिखाऊँगी जिस दिन करूँगी उस दिन, ठीक है। और ये देखो मेरा बेटा स्टंट कर रहा है। तो चलो अब मैंने रील बनाई 2-3, अब मैं इस गेटअप को चेंज करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि ये कुर्ता मैंने आज शाम के टाइम पहना है, कभी दिन में पहनेंगे तो पूरे दिन तो वियर करेंगे, कहीं जाएंगे जब पहनेंगे तो अच्छा तो लगेगा, अभी शाम के टाइम क्या पहनना, अब तो लोअर टी शर्ट में आ जाती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय राम जी की, कैसे हैं आप सब। और ये देखिए जय श्री श्याम जय श्री राम, कढ़ी बन रही है सांगरी वाली, और इधर रखा है दूध गरम, छींटा इधर पड़ेगा। सांगरी सस्ती नहीं मिलती। हाँ, सांगरी बहुत महंगी है, 800 रुपए किलो सांगरी है, हरी सांगरी 100 रुपए किलो है, काली का मुंह बता भी गई है। तो आम हरी की कमाई ना सूखी की बनाई है। अरे सुनो, गम्मू बता भी गई है, वह कितनी तोड़ के लाई थी, और बड़ी बड़ी थैली भर के, बहुत बड़ी बड़ी थैली उनकी साइड में होती है, हमारे बीकानेर साइड में भी होती है, बहुत ज्यादा होती है, इनके यहाँ भी होती है, लेकिन आगे खेतों में काम करो कम होना है, घर पर से किलो बोले तो। हाँ वह उनका ही दाखी बने, वह एक बड़ो सारो टोकनो भर के बना रहे थे, तो और ड्रेस और बनाने लगी सांगरी से, गहना ज्वेलरी और बना रखी थी, वह क्या मैं सांगरी दे दी मैंने। कबाड़ी एक नंबर को है ना। तो जी हो गई है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, बच्चों के स्कूल वगैरह का टिफ़िन का काम जो है ना वो करने के बाद में मैंने उठा ली है अपनी झाड़ू। एक बार झाड़ू लग चुकी है, लेकिन वो जो होती है ना डीप वाली, वो झाड़ू नहीं लगी थी, तो मैंने सोचा चलो डीप वाली झाड़ू लगाते हैं। खाना वाना जो भी था ना बच्चों के टिफ़िन का वो बना लिया था, उसके बाद में मैंने झाड़ू उठाई थी। और ये सफ़ेद है ना ये फर्श, वाइट कलर का है ना, तो इसके ऊपर कचरा बहुत ज़्यादा दिखता है, मतलब बहुत जल्दी हो भी जाता है और दिखता भी बहुत है। तो यहाँ पर जितना हो सकता है ना उतना मेरा दिमाग
बस इसी में लगा रहता है कि मैं इसको किस तरीके से साफ करूँ। और वैसे झाड़ू लगाने अकेली झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद भी साफ दिखने लग जाता है, लेकिन फिर चप्पल पहन करके जाया जाता है, मतलब नंगे पैर जाती हूँ ना तो किरकिर किरकिर लगता है, क्योंकि खुला है ना बाहर किचन के बाहर से। और हम लोग सोए थे मच्छरदानी लगा करके, आजकल हम लोग यहीं सो रहे हैं, बिजली का खर्चा बचा रहे हैं। भाई बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है, बहुत ज़्यादा बिल आता है, तो उससे अच्छा बाहर सोया जाए नाइट में, तो बिजली का खर्चा बचाया जाए। और यहाँ पर जो है ना नैनी सोई है, शर्मा जी बना रहे हैं शायद तक ये क्लिप, और ऐसे ही बनता है वीडियो, कभी किसी ने उठा लिया कैमरा, कभी किसी ने उठा लिया नहीं, अगर अकेले मेरे बस पर चले ना तो क्लिप्स मिले ही ना मुझे। तो इस थाली में मैंने दूध गर्म मतलब ठंडा होने के लिए रखा था, और इसमें बनेंगे चावल कढ़ी के साथ में, बच्चों को चावल देने वाली हूँ टिफ़िन में, क्योंकि मेरे बच्चों के फेवरेट हैं चावल, छोले, दाल, ये सारी चीज़ें। चावल मतलब किसी भी चीज़ के साथ में, जिसके साथ अच्छा सा इसका कॉम्बिनेशन होता हो ना, उस चीज़ के साथ में दे दो, ये लंच पूरा फिनिश करके आएंगे। वैसे भी फिनिश तो कर आते ही हैं, लेकिन वही बात है कि मन से नहीं खाते ना, तो मन से खिलाने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठाना पड़ता है भाई बच्चों के लिए। तो कढ़ी जो है वो मैंने निकाल दी थी अलग पतीले में, जिसको मैंने कढ़ाई को मैंने साफ़ कर दिया। चावल में मैं थोड़ा सा नमक ऐड करती हूँ जब बनाती हूँ उस टाइम पे, ताकि चावल जो है ना सब्जी के साथ में जब खाए जाए ना तो इसका फ्लेवर जो है ना वो अच्छा लगे, मतलब फीका ना लगे। नमक के बिना फीकी लगती है ना हर एक चीज़, और नमक हमारे घर में सेंधा ही यूज होता है, तो सेंधा नमक जो है वो मैंने चावल में ऐड कर दिया है। अब मैं छोटे मोटे जो काम हैं वो अपने निपटाने लग रही हूँ इसके साथ में। अब मैं चावल इधर बनते रहेंगे और गर्म पानी रख दूँगी, फिर फटाफट से बच्चों को नहलाना है, नहलाने के बाद में मैं खाना बनाने का जो काम है ना वो करूँगी, खाना मतलब रोटियाँ सेकने का। रोटी मैं एक एक खिलाकर भेजूंगी, चावल टिफ़िन में भेजने वाली हूँ। तो यहाँ पर एक चम्मच घी ऐड किया है चावल में, ताकि इसमें एक अच्छी सी खुशबू आए। और मेरे बच्चे जो है ना मतलब जब टिफ़िन खोलते हैं तो वो खुशबू से ही मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, इंटरेस्टेड हो जाते हैं खाने के लिए। और वो घर आकर जब बताते हैं मम्मी टिफ़िन खोलते ही बहुत अच्छा लगा, और फिर भूख जो है ना बढ़ गई थी, और फिर फिनिश कर दिया मैंने। शिवांश जो है ना वो अपना जो रियल जो रिव्यू है ना वो हमेशा शेयर करता है। नैनी तो शायद मेरा मन रखने के लिए कई बार अच्छा बता भी देती, कभी ख़राब होता है तो, लेकिन शिवांश है ना वो रियल वाला जो रिव्यू होता है ना वो हमेशा बताता है। तो उसी की बातों पर मैं यकीन करके अपनी खाने पर फोकस करती हूँ। तो यहाँ पर जो बर्तन वगैरह थे थोड़े बहुत, वो भी क्लीन कर लेती हूँ अभी, ताकि बच्चे जा चुके हैं वैसे स्कूल, क्या पता स्कूल ना भी गए हो, मुझे याद भी नहीं है, क्लिप में आगे पता चलेगा। क्योंकि यार 2-3 दिन हो गए ना ये वीडियोज़ बने हुए, पहले वीडियो बनाए थे वो सारे मैं पोस्ट नहीं कर पाई हूँ। तो हाँ नहीं गए, देखो अभी मैंने दूध निकाला, अभी मैं जगाऊंगी बच्चों को, जगाया भी नहीं है, दूध निकाला है ना इसी से पता चल रहा है। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा ठंडा मिला है इसमें, बाकी गर्म लिया है, ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए, ज़्यादा ठंडा भी ना रहे ज़्यादा गर्म भी ना रहे। तो ये देखिए अब जाएंगे बच्चे स्कूल, दोनों को खिला पिला करके तैयार करके, टिफिन वगैरह पैक करके, बोतल वगैरह पैक करके, और मैंने इनका जो स्कूल भेजने का जो था ना काम वो फाइनल कर दिया है। अब लगी हूँ बाहर की झाड़ू में, बाहर की झाड़ू मैंने नहीं लगाई थी, अंदर से झाड़ू एक बार लगा दी थी, क्योंकि बीच में अगर 5 मिनट भी लगते हैं ना तो मन नहीं मांगता, मन करता है कि चल ये वाला काम कर लेते हैं, अब ये वाला काम कर लेते हैं। और आज मैंने बहुत सारा तामझाम बिखेर लिया था, तो मुझे काफ़ी लेट हो गया था, मतलब मैंने बेड खोल लिया, बेड को सरकाया है, पर्दे वगैरह लगाए हैं, ये कूलर लगाया है जो आपको सामने गेट में दिख रहा है, क्योंकि ना गर्मी बहुत होने लग गई। और दोपहर में जब स्कूल से बच्चे आते हैं ना तो उस टाइम पर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है, लू चलती रहती है, तो कमरे का जो टेम्परेचर है ना वो ठंडा रहे ना, मतलब लू वाला रूम ना लगे। तो और पता ही है 2 गेट हैं हमारे इस रूम में, ऊपर का रूम है तो फिर गर्मी तो होनी है। और कूलर लगाया ना तब से ऐसा लगता है जैसे AC फिट हो गया हो, एकदम ठंडा रहता है रूम। तो यहाँ पर पानी आ गया था तो पानी चला लिया है, कूलर को फिल कर देती हूँ, पर्दे वगैरह लगा करके सारा रूम जो है ना पोछा वगैरह लगा करके साफ़ कर दिया था। पोछा शायद तक नहीं भी लगा हो क्योंकि मुझे याद नहीं है कन्फर्म, अभी झाड़ू रखी है तो इसका मतलब पोछा नहीं लगा है, क्योंकि मैं झाड़ू वगैरह अपनी जगह पर रखने के बाद ही पोछा लगाती हूँ, पहले नहीं लगाती ताकि घूमना ना पड़े। और अभी मैं मशीन में भी पानी फिल कर देती हूँ ताकि मैं कपड़े भी धोने के डाल सकूँ यहाँ पर। और जितनी देर में मेरा कपड़े धोने का काम होगा उतनी देर में मुझे गेहूँ साफ़ करने हैं, गेहूँ पिसवाने हैं। आज पहली बार मैं गेहूँ पिसवाना बोल रही हूँ, नहीं मैं आटा पिसवाना बोलती हूँ ना, तो ज़रूर कोई ना कोई कमेंट करके दे जाता है कि आटा थोड़ी ना पीसता है, गेहूँ पीसते हैं। तो आज मैंने पहले ही याद कर लिया, और अब मैं पेड़ पौधों में पानी देने का जो काम है मेरा वो करूँगी, और उसके बाद में मेरा फाइनली घर का काम जो है ना ज़्यादातर ख़त्म हो जाएगा। मतलब गेहूँ साफ़ करूँगी, पहले पेड़ पौधों में पानी दूँगी, फिर गेहूँ साफ़ करूँगी, फिर नहाऊँगी। और ये सब काम करते करते मुझे 12:30 बज गए थे, मुझसे कोई भी काम ना छोड़ा नहीं जाता, ऐसा नहीं होता मेरे साथ कि मैं ये वाला काम चलो लेट हो रहा है छोड़ दूँ, मुझे रहता है कि आज लेट हो रहा है तो आज ही मैं लेट कर लूँ, कल का दिन मैं लेट ना करूँ।
जितना हो सके इतनी कोशिश करती हूँ। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ में आप लोगों को बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और हाँ, लाइक बटन प्रेस करने में प्लीज़ कंजूसी मत किया करो, कमेंट भी ज़रूर किया करो, मैं रिप्लाई देती हूँ अब।